उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 73वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2024 के उद्घाटन में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस दौरान कहा कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। धर्म के जीतने भी साधन है, वे स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेल कूद की क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने अनेक कार्यक्रम विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रस्तुत किए थे, उसमें से खेल और खेल कूद की गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान में रखा गया। कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनजातीय वर्ग के होनहार युवाओं से रूबरू हुए, साथ ही उनका हौसला बढ़ाते हुए उनका सम्मान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव खंडवा जिले के खालवा में जनजातीय विद्यार्थियों को उन्होंने सम्मानित किया। खंडवा जिले के खालवा में आयोजित जनजाति छात्र प्रोत्साहन एवं सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम चांदा मॉल में परीक्षण कर बालिकाओं का खेल परिसर बनाया जाएगा और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब आदिवासी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में हर संभव प्रयास कर रही है एवं विद्यार्थियों के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम गारबेड़ी के छात्र आसाराम पल्लवी को विदेश में पढ़ाई के लिए 35 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया। पांच कन्या परिसर और खास करके खंडवा के अंदर लगातार आपने कुछ विकास के मामले में मुझसे मांगा भी है। आपने कहा आकांक्षा योजना के सत्र का शुभारंभ करना है और पांच संभागों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, जी और नेट की कोचिंग क्लास हेतु सभी बच्चों के लिए इनकी पूरी व्यवस्था करना है। तो मैं यहीं से घोषणा करता हूं, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोचिंग क्लास में जाना, आपका पैसा हमारी सरकार भरेगी, ये हम घोषणा करते हैं। मुझे बताया गया कि हमारे 90 विकास खंड में 100-100 सीट क्षमता वाले आवासीय छात्रावास की जरूरत है और यहाँ छात्रावास भी बनाए जाएंगे। पहले तो इसकी जोरदार अपने आप में घोषणा करता हूं, कोई छात्रावास में 90 लाख में मैट्रिक छात्रावास तक भी हम बनाएंगे। जरा आनंद आना चाहिए, ताली वाली बजा के तो मालूम पड़ेगा तो मैं घोषणा कर रहा हूं। और एक छोटी सी बात बताई कि छात्रावास में मेस होती है, बच्चे बच्ची को रोटी बनने में देर लगती है, एक खा लेते दूसरी बनने में देर लग जाती है। हमने कहा आधुनिक जमाना नई तकनीक का है तो रोटी बनाने की मशीन मिलती, सत्तर मशीन दे देंगे, जल्दी जल्दी खाना मिलेगा आनंद के साथ। बालिका खेल परिसर ग्राम सेलदा माल विकास खंड हरसूद में ये परिसर बनाने की बात अपने कही। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निश्चित रूप से परीक्षण करा करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, आपने बात रखी है, मैं आपका सम्मान करता हूं। मुझे बताया गया कि कई सारे लोग यहाँ उद्योग धंधा खोलना चाहते हैं और उद्योग धंधे के लिए उनके पास बिजली की और कुछ छूट चाहिए।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी रविवार को भोपाल में विधानसभा के मानसरोवर सभागार में आयोजित आरोग्य भारती के 10वें वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अशोक वार्ष्णेय ने भी संबोधित किया। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। हरियाणा में कांग्रेस के सीएम फेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनकी समस्या केवल फेस की नहीं है, उनके चेहरे और मुखेटे दोनों की समस्या है। उनका सैद्धांतिक और राजनीतिक चेहरा क्या है ये समझ नहीं आता। ये चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जनता उनका चाल चिंतन और चरित्र पहचान चुकी है। सुधांशु त्रिवेदी ने गुना के राघोड़ में दिग्विजय सिंह के केवट समाज के दो गरीबों की दिनदहाड़े हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा करने की मांग पर कहा कि वे अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं, अपनी विचित्र मांगों के लिए वे विख्यात रहे हैं। हमले पर उनकी सरकार ने कहा कि आतंकवादी हमला है, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि आरएसएस ने करवाया है। ऐसे विख्यात शख्स पर टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए समस्या क्या है कि जैसे इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान अपना चेहरा नहीं तय कर पाया था, कांग्रेस पार्टी में समस्या हरियाणा में सिर्फ चेहरे की नहीं है, उनके चेहरे और मुखौटे दोनों की समस्या है। उनका सैद्धांतिक चेहरा कौन है, राजनीतिक चेहरा क्या है, यह भी नहीं समझ में आता, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में जाएं तो उस पार्टी के साथ गठबंधन में जो कहती धारा 370 हम दोबारा लाएंगे। अब आप ये सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूं चेहरे को लेकर उनको कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, अब किस चेहरे को जनता पहचाने, तो मुझे लगता है जनता उनका चाल चिंतन चेहरा चरित्र भली भांति समझती है। देखिए मैं कहना चाहता हूं, भारत अब एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। भारत के हर नागरिक को स्वास्थ्य और आरोग्य उपलब्ध कराना हमारी सरकार और विचार परिवार का दायित्व है, और मैं कह सकता हूं कि भारत दुनिया में जो एक वैकल्पिक ज्ञान के आधार के ऊपर स्वास्थ्य को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, आरोग्य भारती का काम उस दिशा में एक मील का पत्थर है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत में पहली बार आयुर्वेद का आयुर्विज्ञान संस्थान बना, CGHS में आयुर्वेद यूज हुई, कोविड काल में आपने देखा पूरी दुनिया में आयुर्वेद का विस्तार हुआ, और WHO ने अपना इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का। देखिए दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है, अत्यंत वरिष्ठ नेता है, इसलिए कई बार वो विचित्र प्रकार की मांगे करते रहे हैं, इसके लिए वो बहुत विख्यात रहे हैं विगत लंबे समय में, और उनका जो अपरिमित ज्ञान है कि कार्रवाई होती नहीं और वो बता देते हैं कि ये होने वाला है। प्रियंका गांधी ने आर न्यूज की खबर को फेसबुक पर पोस्ट किया। आपको बता दें कि रायबरेली में फर्जी लूटकांड को लेकर प्रियंका गांधी फेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा कि यूपी की कानून व्यवस्था खिलवाड़ बनी हुई है, यूपी में निर्दोष को प्रताड़ना, अपराधी को अभेदान किया जा रहा है, अपराधी को अभेदान यूपी में प्रशासन का मंगलसूत्र बना हुआ है। वहीं आगे उन्होंने लिखा कि यूपी पुलिस के लिए कानून व्यवस्था खिलवाड़ बन चुकी है। रायबरेली में एक जनसुविधा केंद्र संचालक रवि चौरसिया के साथ 8 लाख की लूट हो गई, उनके रुपयों से भरा बैग बदमाश छीनकर भाग गए। रास्ते में किसी कारण से बदमाश बैग को सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। वह बैग दीपू नामक के व्यापारी को मिला। दीपू कुछ लोगों को साथ लेकर बैग थाने में जमा करने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें ही जेल में भेज दिया। इस बात पर व्यापारी विरोध में आकर सड़कों पर उतर आए। विरोध को देखते हुए दूसरे थाने को इसकी जो जांच है वो सौंप दी गई। जांच में पाया गया कि दीपू ने अच्छे नागरिक का फर्ज अदा किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें ही आरोपी बना दिया। इस आधार पर कोर्ट ने दीपू को जमानत दी है। निर्दोष को प्रताड़ना और अपराधी को अवैधान यूपी में प्रशासन का यही मंगलसूत्र बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रही कुसुम सिंह महदेले ने रानी अवंती बाई लोधी की जयंती पर लोधी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपनी जाति जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में एक तिहाई सीट ला सकते हैं और अपना मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें संगठित होने की जरूरत है, जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए। आपको बता दें कि रानी अवंती बाई लोधी की जयंती समारोह में आई पूर्व कैबिनेट मंत्री
क्योंकि पन्ना विधानसभा से कई बार विधायक का चुनाव जीती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में महिला बाल विकास विभाग एवं पीएचई विभाग की कैबिनेट मंत्री भी बनी। हालांकि उम्र का हवाला देते हुए पिछले दो विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हमारे समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उदाहरण के रूप में उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी उनका टिकट काट दिया और विधानसभा चुनाव में उतारा गया। हालांकि प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जालिम सिंह पटेल भी उपस्थित रहे। तो उसी का कार्यक्रम था, लोधी समाज का कार्यक्रम था और मैं भी लोधी समाज से आती हूँ, तो लोधी समाज के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में आई थी। आज कुछ आपने माइक से बोला है कि अपने विधायक होते और कुछ हाँ होते, हमारे पास इतना संख्या बल है लोधी समाज का कि हम विधायक बन सकते हैं और हम रहे 30 साल विधायक, 30 बार हम लोधी ही है ना, किसी और बिरादरी की तो नहीं है ना, तो हम 30 वर्ष तक विधायक रहे। कुछ और भी बोला था कि मध्य प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, हम प्रयास करेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनेगी। क्या चाहेंगे आप? क्या चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे समाज की बढ़ोतरी हो, हमारा समाज आगे आए, राष्ट्रीय स्तर पर आए, प्रदेश स्तर पर आए, कौन सा ऐसा समाज है कि धरती में गड़ जाए। तो उसी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधन में कहा कि प्रकृति के अनुरूप जीवन और स्वस्थ जीवन यही अपने आप में अनुरूप है। प्रकृति को समझें, प्रकृति की पुरातन को समझें, हमारे देसी पद्धतियां ही हमारा समाधान है। जैसे जैसे चिकित्सा बढ़ रही है वैसे वैसे नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। आप कितनी भी चिकित्सा सुविधा खड़ी कर दें लेकिन ये आरोग्य भारत का निर्माण नहीं कर सकता। हम सब कोरोना काल को याद कर सकते हैं, उस समय आयुर्वेदिक काढ़ों से ही लोगों को फायदा मिला। कोरोना की वैक्सीन नहीं थी तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी कला और आयुर्वेदिक ही काम आया। आयुर्वेद भारतीय विधा है, लोगों के मत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जो हमारी बेसिक पद्धतियां हैं वही समाधान है। आजादी के 75 साल हो गए, सरकार ने, निजी क्षेत्र के लोगों ने कम चिकित्सा सुविधाएं इस देश में विकसित नहीं की और आज भी क्रम निरंतर जारी है। हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने भी, मैं समझता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन जैसे जैसे चिकित्सा सुविधा बढ़ रही है, जैसे जैसे नई नई दवाइयों का अनुसंधान हो रहा है, वैसे ही वैसे हमारी जीवन पद्धति अस्वस्थ होने के कारण नई नई बीमारियां भी रोज जन्म ले रहे हैं। वही राहुल गांधी के द्वारा लगातार जातीय बयानबाजी और रायबरेली की नसीराबाद क्षेत्र में दलित युवक की हत्या के मामले में हस्तक्षेप करने के खिलाफ सरवण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जमकर बोले। वहीं सरवण आर्मी के कार्यालय के उद्घाटन और जनसभा में पहुंचे सर्वेश पांडे ने कहा कि अब समाज जग चुका है और किसी भी मामले में निर्दोष व्यक्ति को फंसने नहीं दिया जाएगा। वहीं नसीराबाद क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में सर्वण समाज के लोगों को फंसाए जाने के खिलाफ बोल रहे थे सर्वेश पांडे ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को निर्दोष लोग फंसा रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको, हमारे देश का कानून भी कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को नहीं फंसना चाहिए। तो इस देश के कुछ नेता और इस देश के कुछ जातीय संगठन ये चाहते हैं कि
ये प्रभाव बना करके, दबाव बना करके फर्जी निर्दोष लोगों को फंसाने का ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये कतई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सवर्ण समाज भी अब जग गया है। वो पहले वाला समय गया जब सवर्ण समाज विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ था, और इसी का लाभ ले करके ये लोग, हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों को मजबूत किया, हमारे बाप दादाओं ने मजबूत किया, लेकिन सबसे बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात ये है कि जब हमारे समाज की बात आती है तो कोई नहीं बोलता है। यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी को यहाँ का प्रकरण दिखाई दे रहा है, लेकिन मतलब ये नहीं दिखाई दे रहा कि बेगुनाह जो हैं उनको फंसाया ना जाए। इस देश में लोग जात की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के लोग, सवर्ण समाज के लोग अब ये जात की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे हम लोगों को। आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई निर्दोष होगा उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं फंसने देंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि सवर्ण आर्मी की टीम लगातार, जब से निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया है, हमारे जिला अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह फौजी जी के नेतृत्व में पूरी सवर्ण आर्मी डटी हुई है। देखिए, वहीं श्यामपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंगला दास नामक एक युवक ओवरब्रिज पर चढ़ गया और अपनी पत्नी को वापस लाने की मांग करने लगा। मैं कौन जाऊंगा, मेरी पत्नी को वापस ले आओ, ये चीख पुकार सुनकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। रागी तुरंत इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को ओवरब्रिज के ऊपर देखा जा सकता है और उसके गले में रस्सी बंधी हुई है, जहां वह जोर जोर से अपनी पत्नी को वापस बुलाने की मांग कर रहा है। युवक की इस हरकत ने पूरे इलाके में हंगामा खड़ा कर दिया है और लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। मामले की जानकारी के अनुसार मंगलदास ने कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट श्यामपुर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस को उसने बताया था कि उसकी पत्नी कहां हो सकती है। हालांकि जब मंगलदास ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी की हरतालिका का तीज बनाते हुए फोटो देखे तो उसका दिल टूट गया। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका और सीधे श्यामपुर के ओवरब्रिज पर चढ़ गया। वहीं से वह धमकी देने लगा कि अगर उसकी पत्नी को वापस नहीं लाया गया तो वह कौन जाएगा। वहीं केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी बनकर प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों व भाजपा आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ पहचान होने का दावा कर लोगों को ठगने वाले शातिर आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। करीब डेढ़ महीने से क्राइम ब्रांच को इसकी तलाश थी, आखिरकार इसे हरियाणा के करनाल में धर दबोचा गया। पकड़े गए आरोपी का नाम भरत छाबड़ा है। मूल रूप से करनाल सेक्टर 13 और सदर बाजार लड़क मार्केट का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके करनाल सेक्टर 13 में एक सैलून में आने की सूचना मिलने पर स्थानीय सिविल लाइन पुलिस की मदद से इसको पकड़ा गया, अहमदाबाद लाकर इसको गिरफ्तार किया गया। वहीं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डिप्टी एसपी भरत पटेल कहते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में 3 अपराध दर्ज किए गए थे। पहली एफआईआर में कहा गया था कि आरोपी भरत छाबड़ा, जो हरियाणा के करनाल का रहने वाला है, खुद को पेश कर रहा था केंद्र सरकार के एक अधिकारी के रूप में। वे अहमदाबाद के एक होटल में रुके हुए थे, जिसको अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में अगस्त के पहले सप्ताह में 3 ऑफेंस रजिस्टर्ड हुए हैं। वो ऑफेंसेस में एक ऑफेंस जो है वो तंदूर पैलेस होटल एयरपोर्ट रोड पे जो है वहां के मैनेजर अनिल सिंह वाघेला ने दर्ज कराई है। दूसरी एफआईआर है जो भरत संत्यानी नामक सरदार नगर के रहवासी है, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है। और तीसरी एफआईआर है वहीं के सरदार नगर के रहने वाले प्रशांत तमांचे ने। जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी उस फरियाद के हिसाब से, मतलब जो फरियाद में जो भी डिटेल्स है उस डिटेल्स में जो एक्यूज है भरत छाबड़ा, जो कि मूल करनाल हरियाणा का रहने वाला है और कई सालों से अहमदाबाद आता जाता रहता है, इस होटल में रुकने के लिए उसने शुरू में बताया कि वो सेंट्रल एजेंसीज के बहुत ही बड़ा ऑफिसर है और कई मतलब बड़े ऑफिसर्स को वो क्लोजली जानता है, पॉलिटिकली वो हाईली कनेक्टेड है। वैसे रह के वो 2-3 बार रुका था। रुकने के बाद जब होटल का पेमेंट देना आया तो उसने बताया कि मेरे से आप पेमेंट नहीं ले सकते, और उसी के इन्फ्लुएंस में, उसी के प्रभाव में होटल मैनेजर वगैरह थोड़े डर के वजह से उन्होंने उनके पास से जो होटल का बिल था वो नहीं लिया था। ऐसा 2-3 बार होने के बाद ये होटल मैनेजर ने यहां पर ऑफेंस रजिस्टर्ड कराया है। दूसरी जो एफआईआर है वो भरत संत्यानी जो है सरदानगर के रहने वाले, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है उस एफआईआर में उनका
जो डिटेल्स है एफआईआर की उसके हिसाब से भरत छाबड़ा जो कि एक्यूज है इस एफआईआर का, इस अभियुक्त ने फरियादी से कहा कि भाई वो काफी मतलब जानते हैं एक दूसरे से। पर वहीं कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील में ग्राम कुआ में इकलौता शेषनाग मंदिर है जहां सर्पदंश से पीड़ित लोगों को झाड़ फूंक के द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक होने के बाद ऋषि पंचमी के दिन लोग चढ़ावे में भंडारा करने के लिए उपस्थित होते हैं। ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जो 111 वर्षों से सर्पदंश के लिए प्रसिद्ध है। विगत 111 वर्षों से यहां के पुजारियों द्वारा सर्पदंश से पीड़ित लोगों को झाड़ फूंक के द्वारा ठीक किया जाता है। खबर अलीगढ़ से है जहां महिला जिला अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक महिला ने पति ने अस्पताल के डॉक्टर की पोल खोल दी। यहां प्रसूता के पति से डिस्चार्ज के लिए नर्स द्वारा 100 रुपए लिए गए। इस मामले का वीडियो खुद पति ने रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जहां से ये वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक प्रसूता के पति से डिस्चार्ज के नाम पर रिश्वत ली गई थी। घटना बन्ना देवी थाना इलाके के मोहनला गौतम राजकीय महिला जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।